हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, और जैसे कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, हर जगह पर बस एक ही खबर चाहिए कि इंडिया का नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन सिस्टम बहुत ही जल्द यूएस बेस्ड गूगल मैप्स को रिप्लेस करने वाला है, एटलीस्ट इंडिया में। वेल, रीजंस क्या है बॉस? वेल, गूगल मैप्स ना किसी की लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए करीबन 24 सैटेलाइट्स इस्तेमाल करता है, एंड फिर भी करीबन 20 से 25 मीटर के डिस्टेंस से चूक जाता है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन मेड नेविक इतना कैपेबल है कि सिर्फ 7 सैटेलाइट्स होने के बावजूद भी करीब 5 मीटर की एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है। So, क्या इसका मतलब ये है? Is Navic better than Google Maps? या फिर ये बस ऐसे एक भ्रम फैलाया जा रहा है इंडियंस द्वारा ही to suit their narratives? Well, let's find this out in our today's wonderful video titled Google Maps versus Navic. So friends, साल था 2003 जब तो डैनिश भाई लार्स और जेंस रैस्मुसन इन्होंने दो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स नोएल गॉर्डन और स्टीफन मा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक मैपिंग रिलेटेड स्टार्टअप कंपनी शुरू किया था बाय द नेम ऑफ वेयर टू टेक्नोलॉजीज। बट सैडली ये कंपनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इससे पहले कि ये कंपनी कुछ नया कर दिखाती, अक्टूबर 2004 में उनकी मैपिंग टेक्नोलॉजी देखकर गूगल कंपनी के लीडर्स को ये चीज इतनी प्रॉमिसिंग लगी कि उनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने वेयर टू टेक्नोलॉजीज को खरीद लिया, मेकिंग इट्स 4 co-founders the employees of Google. लेकिन क्या इसका मतलब वो हार मानने वाले थे? जी नहीं, उन्होंने गूगल के सिडनी ब्रांच के इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर अपने मैपिंग सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की, और इसी के साथ जन्म हुआ भटके हुए लोगों को बचाने वाले गूगल मैप्स का। अब गूगल मैप्स का जन्म वैसे तो 2015 में हुआ था, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि गूगल का इस मैप्स को बनाने में कोई हाथ नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ओरिजिनली तो गूगल मैप्स बस एक साधारण सा C++ डेस्कटॉप प्रोग्राम हुआ करता था। वो तो गूगल की टैलेंटेड टीम थी जिन्होंने इसे एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन लेटर स्मार्टफोन्स के जरिए लोगों के फिंगर टिप्स तक पहुंचाया। हालांकि बात सिर्फ यहां तक भी नहीं रुकी, क्योंकि जून 2008 आते आते इसकी डेवलपमेंट में आपकी मेरी तरह साधारण लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। लोग ये सब कर पाए विद द हेल्प ऑफ गूगल्स मैप मेकर एप्लीकेशन, जो यूजर्स को गूगल मैप्स में प्लेसेस को अपडेट करने की सुविधा देता था, ताकि सभी के साथ से वर्ल्ड मैप का विकास हो सके। वेल, और ऐसा हुआ भी। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी, राइट? वेल, इतना जल्दी इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन नेविक की स्टोरी तो इससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। साल 1919 में जब पाकिस्तानी ट्रूप्स हमारी आंखों में धूल झोंककर कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, तब सबसे पहली चीज जो इंडियन मिलिट्री के दिमाग में आई वो ये था कि क्यों ना यूएस से जीपीएस का डाटा मंगाकर दुश्मनों को अपनी टेरिटरी से खदेड़ भगाया जाए। इससे हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशंस का पता लगा सकते हैं और हमारे कई सारे जवान शहीद होने से बच जाएंगे। बट गेस व्हाट, यूएस ने हमेशा की तरह हमारी मदद करने से इनकार कर दिया और इस वॉर में भी पाकिस्तान का ही साथ दिया, जिसके कारण अननेसेसरीली हमारे 527 जवानों को अपनी जान देनी पड़ी। और अब यूएस की इस गलती का बदला निकालने आ गए हम इंडियंस, जो गूगल मैप्स के कस्टमर से अब यूएस का हाथ धुलाएंगे। भले ही कारगिल की वो लड़ाई हमने अच्छे खासे मार्जिन से जीत लिया, लेकिन यूएस के डिनायल ने हमको एक बात साफ साफ बता दी कि बेटा, क्रिटिकल चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बेवकूफी है। दूसरों पर डिपेंडेंसी छोड़ो और खुद की चीज इन्वेंट करो। दिस वॉज द मैसेज दैट इंडियन गवर्नमेंट गॉट, एंड यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर बाय द वे हमारा इसरो भी आता है, वो मजबूर हो गया एक इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स, अगर इस मामले को थोड़ा गौर से देखा जाए तो नेविगेशन के मामले में इंडिया और यूएस के बीच का कंपैरिजन का दौर तो दोनों के शुरुआती दिनों की कहानियों से ही देखा जा सकता है, पर ये तो फिर भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। इनके बेसिस पर कोई ये कैसे कह सकता है कि वन इज बेटर देन अदर? हमें एक फेयर कंपैरिजन के लिए सॉलिड फैक्ट्स की जरूरत है, जो इमोशन से बैक्ड अप ना हो बल्कि टेक्निकलिटी से बैक्ड अप हो, राइट? और इसीलिए आज हम इन दोनों सिस्टम्स को टेस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन दीज 5 क्राइटेरियाज। नंबर 1 कैपेबिलिटी, नंबर 2 रेंज, नंबर 3 एक्यूरेसी, नंबर 4 कंपैटिबिलिटी, एंड नंबर 5 प्राइवेसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1, कैपेबिलिटीज। 11 फरवरी 2021 के दिन इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DIST ने एक MOU साइन किया था विद अ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी और सिंपली कॉल्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, जिसका नाम था सी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, द ओनर ऑफ मैप माई इंडिया पोर्टल। इस कोलैबोरेशन का मकसद, वेल, साथ मिलकर एक ऐसा
होलिस्टिक जियोस्पेशियल यानी मैपिंग पोर्टल बनाना जो अब तक रिकॉर्डेड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सेट्स, नेविक सिस्टम्स ने रिकॉर्ड किए हुए डेटा और मैपमा इंडिया पर अवेलेबल वेब सर्विसेज एंड एपीआईस प्रोग्रामिंग को कंबाइन करके एक गूगल मैप्स के टक्कर का पावरफुल मैपिंग टूल बनाना। बट वो कहते हैं ना, एक से भले दो और दो से भले तीन, कुछ वैसे ही डिस्ट और मैपमा इंडिया दोनों सोच रहे हैं और इसीलिए वो एक नहीं बल्कि तीन तीन पोर्टल्स बना रहे हैं जिन्हें इसरो ने नाम दिया भुवन, वेदास और मोजदाक। नाउ आई नो ये सब सुनकर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि तो फिर नाविक क्या है? क्या नाविक खुद गूगल मैप्स जैसा एक एप्लीकेशन नहीं है? वेल सीधे सीधे कहूं तो आई वुड से सही पकड़े, क्योंकि जैसे गूगल मैप्स एक मैपिंग पोर्टल है जो मेजरली यूएस के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस नाम के एक सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, उसी तरह भुवन, वेदास और मोजदाक ये तीन मैपिंग पोर्टल्स इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का इस्तेमाल करते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी कि नेविक सिस्टम। बट अब आप पूछोगे कि फिर इतने देर से नेविक पे इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है जब असली खेल तो भुवन, वेदास और मोजदाक खेलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, वो असल में नेविक सिस्टम ही है जिसकी मदद से भुवन गूगल मैप्स की ही तरह हमें रास्ता वगैरह बताने में मदद करेगा। वेदास यानी विजुलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम हमें कई दशक पुराने मैप्स प्रोवाइड करके डिफॉरेस्टेशन, ड्राइंग ऑफ रिवर्स एटसेट्रा जैसे इश्यूज को स्टडी करने में मदद करेगा, और मीटियोरोलॉजिकल और ओशियनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर यानी मोजदाक वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओशियनोग्राफी और ट्रॉपिकल वाटर साइकिल्स जैसी चीजों को हमें समझने में मदद करेगा, क्योंकि नाविक हवाई और समुद्री जहाजों को दिशा दिखा सकता है, वो फ्लड्स या फॉरेस्ट फायर्स जैसे डिजास्टर्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है, वो ओला उबर या आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस को अपनी गाड़ियों को ट्रैक करने की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, वो इवन सैटेलाइट से लैंड सर्वेस करने की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, वो हाइकर्स और ट्रैवलर्स को किसी एरिया की ऊंचाई या गहराई पता करने में भी मदद कर सकता है, और लास्टली गूगल मैप्स की तरह वो विजुअल और वॉइस डायरेक्शंस भी दे सकता है। अब आइए कंपेयर करते हैं गूगल मैप्स को इससे, इनमें से व्हाट ऑल थिंग्स कैन गूगल मैप्स प्रोवाइड यू? एरियल और मरीन नेविगेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन और ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बट रिसर्च पर्पसेस के लिए वो बेसिकली यूजलेस है। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्राइटेरिया जो है रेंज और कवरेज। गूगल मैप्स वैसे तो मेजरली यूएस बेस्ड जीपीएस का इस्तेमाल करता है, बट समटाइम्स वो रशिया के ग्लोनास और यूरोप द्वारा डेवलप्ड गैलीलियो सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करता है। अब गूगल मैप्स ऑलमोस्ट पूरे पृथ्वी पर एप्लीकेबल है, जबकि नेविक और उस पर बेस्ड सारे मैपिंग पोर्टल्स इंडिया के बाहर सिर्फ 1500 किलोमीटर के एरिया तक ही नजर रखते हैं, विच मीन्स इनकी मदद से हम पूरे दुनिया को स्टडी नहीं कर सकते, यानी क्लियरली इस मामले में गूगल मैप्स हैज द लीड। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ओवर हियर एंड मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3 जो है एक्यूरेसी। यूएस के जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम में टोटल अराउंड 24 एक्टिव सैटेलाइट्स मौजूद है जो 55 डिग्रीज के एंगल पर टिल्टेड है, और ये 6 अलग-अलग ऑर्बिट्स में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, वो भी हर 11 आवर्स 58 मिनट्स में एक, व्हिच मींस हर ऑर्बिट में एट अ गिवन टाइम 4 सैटेलाइट्स चक्कर काट रहे होते हैं। इट्स सो कूल राइट, बट एक्चुअली इट्स नॉट, क्योंकि एक आर्टिकल के हिसाब से कई बार गूगल मैप्स में कुछ जगहों का डेटा करीब 2-3 सालों तक अपडेट ही नहीं होता है। इनफैक्ट कई बार जब इमेजेस क्लियर नहीं आते तब उस रीजन के वही पुराने इमेजेस को रीअपलोड किया जाता है, यानी टेक्निकली यू वुड नेवर नो कब आप एक खूबसूरत नदी देखने निकलो और वहां पानी के जगह पर बस पत्थर नजर आए। खैर नाउ टू टॉक अबाउट नेविक सिस्टम, तो इस सिस्टम में इसरो द्वारा टोटल 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं जिनमें से 3 जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी कि जीओ में रिवॉल्व कर रहे हैं, 4 जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जीएसओ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और सातों के सातों सैटेलाइट्स मोर और लेस इंडिया पर ही फिक्स्ड रहते हैं, क्योंकि जियो सैटेलाइट्स का मतलब ही होता है कि सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस से करीबन 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काटते हैं, जिससे उनका ऑर्बिट और अर्थ का रोटेशन दोनों एक ही स्पीड से घूमते हैं, यानी कि एक ही लोकेशन में एक ही प्लेस पर नजर रखना। और ऊपर से रही बात जीएसओ सैटेलाइट्स की, तो इट इज जस्ट अ जियो सैटेलाइट जो इक्वेटर को छोड़कर बाकी पैथ्स पर चक्कर लगाते हैं, यानी सरल शब्दों में कहूं तो ये सातों के सात सैटेलाइट्स 2400 घंटे इंडिया पर ही फिक्स रहते हैं, विच मींस यूजर्स को मिलते हैं रेगुलरली अपडेटेड डेटा और क्लियर इमेजेस। वेट अ मिनट, जब हम मैपिंग एक्यूरेसी की बात करते हैं तो क्या उसमें लोकेशन एक्यूरेसी को भी कंसिडर नहीं करना चाहिए? वेल ऑब्वियसली करना चाहिए, स्पेशली तब जब इस
इसमें भी हमारा नाविक जीत रहा हो। जस्ट किडिंग, मैं यहाँ पे कोई बायस नहीं हूँ। एक्चुअली में हमारा नाविक 5 मीटर तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जबकि गूगल मैप्स 20 से 30 मीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर हम नाविक को यूज करके किसी पे मिसाइल मारे तो उसका मरना समझ लो तय, जबकि गूगल मैप्स को यूज करके हम किसी पे मिसाइल मारे तो 20 से 30 मीटर का डिविएशन आ सकता है और टारगेट बच सकता है। और इसीलिए एक्यूरेसी के मामले में इंडिया विंस द गेम। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट, व्हिच इज दोनों में से किसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS या नाविक दो तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस यानी कि SPS फॉर कॉमन पीपल और दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी कि RS फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अब ये दोनों ही सर्विसेज वैसे तो काफी एक्यूरेट डेटा भेजेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम विद दीस सर्विसेज इज दैट ये दोनों सर्विसेज L5 और S बैंड की फ्रीक्वेंसी पे प्रोवाइड की जाएगी। अब बात ये है ना, L5 और S बैंड स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स L5 से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करते हैं। एंड नाउ वैसे तो इसरो ने क्वालकॉम के साथ टाई अप जरूर किया है टू मेक कंपैटिबल प्रोसेसर्स, लेकिन ऐसे स्मार्टफोन्स मार्केट में फैलने में अभी टाइम लगेगा और इसीलिए कंपैटिबिलिटी वाला पॉइंट जाता है गूगल मैप्स के नाम। सो फ्रेंड्स, अभी तक मुकाबला चल रहा है काफी गंभीर, दोनों को मिले हैं 2-2 पॉइंट्स। फाइनल कंपैरिजन करते हैं आखिरी कैटेगरी में जो है प्राइवेसी। गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और गूगल मैप्स एक फ्री सर्विस है, ऐसा कईयों को लगता है, बट इज इट? गूगल असल में आपका ट्रैवल डेटा और ऐसे कई अन्य प्रकार के डेटा एड कंपनीज को बेचता है ताकि वो आपके डेटा को स्टडी कर सके और आपको डेडिकेटेड एड्स प्रोवाइड कर सके। यानी गूगल कुछ भी फ्री में नहीं बांट रहा है, वो आपकी प्राइवेसी बिजनेसेस को बेच रहा है। बट नाउ ऑन द अदर हैंड, नाविक का डेटा इसरो होस्ट करता है जिसका इनकम सरकार की तरफ से आता है और इसीलिए उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है एड कंपनीज को या इवन कोई भी कंपनी को आपका डेटा भेजने के लिए। सो ओवर हियर योर पर्सनल डेटा वुड फील मोर सिक्योर with Navic as compared to Google. So friends, ये comparison होता है खत्म and you can clearly see India एक बहुत ही जबरदस्त product लाया है जो international level के Google Maps को टक्कर दे सकता है। और सबसे मजे की बात है, इससे हमारे country की navigation और security दोनों बढ़ जाएगी और हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। So, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और अब फ्रेंड्स, अब वीडियो पूरी हो गई है तो सवालों का क्विज खेलकर पैसे कमाने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू क्विजी क्विजी। सी यू सून एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।